लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सुबह 10 बजे लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज लखनऊ कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित की गई है, तो कई अहम प्रस्तावों पर योगी सरकार की मुहर जो है वो लग सकती है। तो सुबह 10 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कई अहम प्रस्तावों को लेकर जो बैठक में मुहर लग सकती है, इसके अलावा और भी कई मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर उस पर चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। कई मायनों में ये बैठक काफी अहम है, जहां एक तरफ कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी तो उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे भी होंगे जो इस बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे। तो सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 10 बजे ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता। संवाददाता आदित्य द्विवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आज सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की बैठक, ताजा अपडेट बैठक को लेकर। आदित्य, आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। बिल्कुल आदित्य, आज सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कई बिंदुओं पर चर्चा होगी योगी कैबिनेट बैठक में, लेकिन कुछ बिंदु खास रहेंगे जिनकी हम चर्चा करते हैं अपने दर्शकों के साथ। जिनमें जो बैट पर ब्याज लगता रहा है अभी तक, उस पर माफ करने के मूड में है योगी सरकार, कि बैट पर जो व्यापारियों को ब्याज लगता था वो अब नहीं लिया जाएगा। इससे लगभग 3 लाख से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी, उन्हें काफी फायदा होगा। इसके अलावा एक फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की भी स्थापना तय कर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही होगी, ये भी इस पर भी आज मुहर लगने की पूरी तरह से उम्मीद है। और जो ब्याज माफ होगा व्यापारियों का, ये पोर्टल के जरिए व्यापारी अप्लाई कर सकेंगे, जिस पर सुनवाई होगी और तुरंत ही उस पर कार्रवाई की जाएगी ब्याज माफी को लेकर के। इसके अलावा एक बांदा के बबेरू विधानसभा में बस स्टेशन निर्माण को लेकर के पिछले लंबे समय से मामला लटका हुआ था, जिस पर तहसील की एक जमीन है जो कि मुफ्त में हस्तांतरित की जा सकती है परिवहन विभाग को। जी जी बिल्कुल आदित्य, ये बैठक कई मायनों में काफी अहम है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ। अगर बात करें बैठक के मुख्य एजेंडे की, तो मुख्य एजेंडा यहाँ पर क्या रहने वाला है आज की इस बैठक का? देखिए, जो हमने अभी चर्चा किया हुआ है, मुख्य एजेंडे यही रहेंगे, मुख्य बिंदु जो है वो इन्हीं पर केंद्रित रहेगा। एक बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ के व्यापारियों के लिए कि उनको बैट पर जो अभी तक ब्याज लगता था, अगर वो समय से बैट को जमा नहीं कर पाते तो उस पर ब्याज लगता था, ब्याज पर भी ब्याज लग जाता था, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, बहुत बड़ी राहत होगी। इसके अलावा अभी तक जो फॉरेंसिक जांच के लिए अगर 22 का सैंपल है तो यहाँ पर जो मुकदमे होते थे, जो मामले होते थे, वो गुजरात जाते थे या और तरह की जांचों के लिए दूसरे राज्यों में बेंगलोर भेजना पड़ता था, तो अब अगर ये फॉरेंसिक विश्वविद्यालय यहाँ खुल जाएगा तो सारी जांचें उत्तर प्रदेश में होने लगेंगी और दूसरे राज्यों की भी जांचें उत्तर प्रदेश में आने लगेंगी, तो एक आय का बड़ा स्रोत भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो बस अड्डा था बबेरू का, उसको स्वीकृत मिलने से तहसील की जमीन मुफ्त में मिल जाएगी, जिससे वहां के लोगों को काफी राहत मिल जाएगी और वहां पर एक बस अड्डे का निर्माण। चलिए आदित्य, बैठक को लेकर नजर बनाए रखिए, फिलहाल शुक्रिया।